हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगा कि दिल्ली डीएड एडमिशन 2024 के जो डीएलएड एडमिशन की जो फॉर्म है वो कब तक आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे और ये जो कमेंट है पिछले महीने से आ रहे थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने का। तो फाइनली सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल्ली से डीएड करने के लिए आते हैं और हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो जिनको नहीं पता डीएड या डीएलएड का मतलब क्या है, एक्चुअली डीएलएड डीएड इसको बीटीसी भी बोलते हैं कई जगह। ये एक तरीके का टीचिंग कोर्स है, टीचिंग डिप्लोमा कोर्स है, और इस कोर्स को करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो प्राइमरी लेवल तक टीचिंग करने के लिए। मतलब आप जैसे नगर निगम में आपने देखा होगा, नगर निगम जो स्कूल्स होते हैं एमसीडी के, उसमें जितने भी टीचर होती है सबकी जो क्वालिफिकेशन होती है मिनिमम उनकी डिप्लोमा ही होती है, यानी डीएड। डीएड भी कहते हैं सर, डाइड भी बोलते हैं और डीएलएड भी आपसे बोल सकते हैं। जैसे मैं दोनों ही मेंशन कर दिया है, डीएड और डीएलएड, ठीक है, दोनों का एक ही नाम है। तो दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में जो डीएलएड और डीएड के जो एडमिशन कराता है वो एससीईआरटी नहीं एससीईआरटी करवाता है, और यही दिल्ली का सरकारी एक तरीके से इंस्टीट्यूट है जिससे आप डीएड या डीएलएड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके एडमिशन फॉर्म कब तक आएंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह इसका क्या रहता है, पूरा प्रोसीजर आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं। तो देखिए, दो तरीके के टीचिंग कोर्स होते हैं, एक होता है डीएलएड और एक होता है डीपीएससी, ठीक है। तो डीएलएड सबसे ज़्यादा किया जाने वाला कोर्स है दिल्ली से, और इसका फुल फॉर्म जो रहता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसका रहता है। और सीट्स की बात की जाए, 9 गवर्नमेंट डीएड्स आउट ऑफ 1040 इसमें सीट्स रहती है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि सीट्स इसमें लिमिटेड रहती है ना। तो मैं थोड़ा आपके बारे में इसमें डिस्कस कर देता हूँ। हाँ, ये जो कोर्स है 2 ईयर का रहता है, मैक्सिमम 4 ईयर का रहता है, यानी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। और फर्स्ट ईयर में आपका क्या क्या रहता है वो आप देख सकते हो, फर्स्ट ईयर में आप क्या क्या पढ़ोगे ये सारे आपके सब्जेक्ट रहते हैं, सेकंड ईयर में सारे सब्जेक्ट आपके रहते हैं। मैं डिटेल बता रहा हूँ, फॉर्म भी बताऊँ कब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले मेन चीज़ आप जान लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। अगर मैं एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, तो एक्चुअली इसके लिए जो आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी एक CBT होता है, आपका पेपर होगा ऑनलाइन। पेपर ऑनलाइन मतलब घर से नहीं होगा, आपको सेंटर जाना पड़ेगा। जैसे SSC का पेपर होता है, ऐसे CBT एक पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी आपका एंट्रेंस होगा। जब आप उस एंट्रेंस को देकर आओगे, उसमें जो आपकी रैंक बनेगी उसके हिसाब से आपकी मेरिट निकाली जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन भी इन्होंने बता दी है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। देखिए, जो भी स्टूडेंट 12th पास आउट है, वो इसके लिए एलिजिबल है, चाहे वो CBSE का हो और चाहे वो आपका अदर किसी बोर्ड का हो। तो 50% मार्क्स आपके 12th में होने अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा 5 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाएगा, लैंग्वेज विल बी कंसिडर जब आपकी परसेंटेज बनेगी इसमें एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। तो यानी आपका 12th पास आउट होना जरूरी है भाई। PWD और ST के लिए 45% है एलिजिबल क्राइटेरिया, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट को मिला के आपके 50% होने चाहिए, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट मिला के, यानी 5 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि 12th पास आउट होना ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है क्या इस कोर्स को कर सकता है? जी, आप इस कोर्स को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी थोड़ा जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिजिकल फिटनेस में भी इसमें एलिजिबिलिटी रहती है कि आपका गुड मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपका जो है क्या कहते हैं, एक सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट है ना। तो ये आप MBBS डॉक्टर से आपका बनवाया जाएगा जब आप एडमिशन लोगे। एज लिमिट की बात की जाए, द मैक्सिमम एज कैन नॉट बी मोर देन 24 ईयर एज, मतलब कुल मिला के बात ये 24 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। द मैक्सिमम एज कैन नॉट बी मोर देन 24 ईयर, ठीक है। तो 24 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लीजिए। अब देखिए, कुछ इसमें रिजर्वेशन का भी सिस्टम रहता है। अगर आप दिल्ली से डीएड करते हो, 85% सीट्स आर रिजर्व टू डूज कैंडिडेट हु हैव पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th पास फ्रॉम स्कूल स्टडी सेंटर लोकेटेड इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड सिटी ऑफ दिल्ली। यानी 85% जो सीट्स रहती है, जिन्होंने CBSE से दिल्ली से
किया है, सीबीएसई से किया है, तो 85% सीट्स उनकी कन्फर्म है कि रिजर्व है, यानी 100 में से 85 बच्चों को एडमिशन मिलना ही मिला है दिल्ली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने सीबीएसई से किया हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका सीबीएसई या एनआईओ से अगर आप दिल्ली ऑफ एनसीटी, एनसीटी ऑफ दिल्ली से अगर आपने किया है, 85% सीट्स आपकी रिजर्व रहेगी डीएलएड डीएड के लिए भाई, 15% सीट्स आपकी दिल्ली के बाहर से रहेगी, ठीक है, यूपी वगैरह जहाँ से भी है। नो नीड ऑफ सबमिशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी अगर आपने दिल्ली से 12 किया तो 80% रिजर्वेशन आपको मिलेगा, बाहर से किया तो 50% आपको रिजर्वेशन मिलेगा अगर आप दिल्ली से डीएड करते हो तो। वेबसाइट भी है, एडमिशन की वेबसाइट, ये अभी एडमिशन शुरू नहीं हुआ है, इसी वेबसाइट पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है, और डीएड एससीईआरटी के द्वारा कराया जाता है, ठीक है, चीज़ हमने नोट कर ली है। सीट्स का रिजर्वेशन बता दिया है, ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए एडमिशन प्रोसीजर सिंपल है, पहले आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, इसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे, 2 घंटे का ये आपका होगा, और एडमिशन फॉर्म जो है मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा, ये जून से जुलाई के बीच में, जून में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, मई से जून के बीच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, मैं आपको बता दूंगा। 12th इसके लिए चाहिए, 12th अगर आप पास हो, 24 साल से नीचे के एम एज है तो आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है, और CBT पेपर आपका होगा, जाहिर सी बात है, यानी एंट्रेंस बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। और अगर बात की जाए एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की, तो इसकी जो फीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए ₹500, रिजर्व कैटेगरी के लिए ₹250 और एडमिशन फीस जो रहेगी ₹3600 रहेगी, नॉन रिफंडेबल, बट एडजस्टेबल ₹1800 रहेगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ फीस द कोर्स इन फर्स्ट ईयर एंड ₹1800, यानी फर्स्ट ईयर में आप ₹1800 दे सकते हो पेमेंट फीस, और बाकी फीस आप बाद में दे सकते हो, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस आपका ये रहेगा जो हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे इसके, सोशल साइंस के, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक के 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस के इतने क्वेश्चन, इसमें आपका मैथमेटिक्स भी रहेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी भी रहेगा, इंग्लिश और हिंदी भी रहेगा। लेवल ऑफ टेस्ट रहेगा 10 क्लास का लेवल रहेगा, ठीक है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, अभी तक एडमिशन शुरू नहीं हुए पर वेबसाइट पे आपको सबमिट करना होगा फॉर्म। फॉर्म आपको मई से जून के बीच में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा भी इसके बारे में जान लीजिए। डी एड एंड मैंडेटरी सबमिशन एंट्रेंस एप्लीकेशन फीस, अगर आपको डी एड करना है तो आपको मैंडेटरी है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म ना सबमिट करें। तो जिसको भी डी एल एड या डी एड करना है तो वो कर सकता है एससीईआरटी के द्वारा, सर्च मार लेना एससीईआरटी, दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जाती वेबसाइट है, तो जैसी फॉर्म आएंगे मैं आपको बता दूंगा, बेसिक डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी। तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा।